धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्वा मामका पांडवा चैव किम कुर्वतः संजय। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो देखिए, हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं और हमारा क्या प्रायोजन है यहाँ आने का वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, हर साल दिसंबर के महीने में जो है ब्रह्म सरोवर के पूरे कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इस साल भी किया गया है, जैसे वैसे तो जो कार्यक्रम है पूरे कुरुक्षेत्र में किए जाते हैं, परंतु ब्रह्म सरोवर और जो उसके पास पुरुषोत्तमपुरा बाग है वहाँ पर मुख्य कार्यक्रम किए जाते हैं। तो हम भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये मैं आपको बता दूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम है ये पूरे 18 दिन चलता है। 18 दिन क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें जो अध्याय है वो 18 अध्याय और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था, तो ये 18 दिन चलेगा और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम जाएंगे ब्रह्म सरोवर की तरफ, फिर वहाँ पर पूरा घुमाएंगे। तो अब विलम्ब के ही कारण कीजिए, तो बिना विलम्ब किए हम चलते हैं पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर की ओर। आइए चलते हैं।
दोस्तों देखिए हम यहाँ पे ब्रह्म सरोवर के किनारे पहुँच चुके हैं और जो सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे जो दुकानें अभी तक खुली नहीं है और हमने पता किया तो पता लगा कि या नौ बजे तक ही खुल पाएगी जो दुकान है, लेकिन जो सामने सर्वेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो शायद खुल गया, तो हम देखेंगे वहाँ पर जाएँगे और भगवान शिव के दर्शन करेंगे। बाकी आप पीछे देख रहे कितनी खूबसूरत जो है ये कलाकृति है, शायद जो दानेदार कुछ है ये उससे बना रखा है, बहुत सुंदर लगी जो कलाकृति बना रखी है। शंख है, चक्र है और गीता जयंती जो है वो नीचे लिखा हुआ है महोत्सव 2021, बहुत बढ़िया। वो जो पीछे देख रहे हैं वो मेन गेट है, जहाँ पे मेन मतलब जो गेट है ये सीधा फिर चला जाएगा पुरुषोत्तम पूरा बाग की तरफ वाला जो है रूट, और यहाँ से हम जा सकते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। तो चलते हैं और करते हैं महादेव के दर्शन। सर्वेश्वर महादेव मंदिर में है और आप देखिए कितना सुंदर मंदिर है, इसकी जो कलाकृति है वो देखिए कितना सुंदर, इसकी जो नक्काशी कर रखी है कितनी बारीकी के साथ कर रखा है, और परिसर जो है मंदिर का बहुत ही सुंदर है। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, उसके पीछे पुरुषोत्तम पूरा जो बाग है वहाँ दिख रहा है, और वहाँ पर जो हमारा भारतीय ध्वज है तिरंगा है वो लहरा रहा है, यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। हम इसकी परिक्रमा भी करेंगे।
Thank you.